विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर जीता था। अब लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी की पिछली सरकार पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। घोटाले की जांच एक पूर्व आईएएस अधिकारी को सौंपी गई है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर में आवाजाही न के बराबर है। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी की येदुरप्पा और बोम्मई सरकार पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। हवाला अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट का दिया गया है, जिसके मुताबिक उपकरणों की खरीद 38 से 1577 फीसदी ज्यादा कीमत पर हुई। अब कांग्रेस सरकार ने एक जांच समिति बनाई है। वी हैव सेट अप अ कमिटी, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर इसके ऊपर तहकीकात करेंगे और जो भी सच है वो लोगों के सामने रखेंगे हम। एनी टाइम फ्रेम सर? We have already audited close to around 500 crores. So the time frame given to him is close to around 30 days. So most likely 30 to 45 days we will ensure a report is out. Accountant General की रिपोर्ट के मुताबिक 28,000 रुपए का प्रोजेक्टर 4,42,000 रुपए में खरीदा गया। घोटाले का नया मामला कमोबेश बसवराज बोम्मई सरकार के कार्यकाल का है। केग रिपोर्ट की बात फॉलो कर रहे हैं। सरकार के पास इस बात की छूट है कि वो चाहे तो जांच करवा लें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह के घोटाले कांग्रेस के सरकार के दौरान भी हुए, इलेक्ट्रॉनिक विभाग में भी और SC ST विभाग में भी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के खिलाफ PCM 40% कमीशन सरकार कैंपेन चलाया था और इस मामले की सुनवाई फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट में चल रही है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का PCM कैंपेन हिट था। ऐसे में लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, अपने 5 गारंटियों की सफलता के साथ। क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर की वजह से फिलहाल यहां बीजेपी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।